हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मैकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, आज वैसे फर्स्ट का टर्न है, लेकिन आपका जो सिलेबस है अभी मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमारे पास पुराना सिलेबस है और मार्केट में कुछ नया आ गया जो हमने व्यवसाय से डाउनलोड किया है। तो इसलिए आज आपको हम सेकेंड में लेटर और एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग कराएंगे, यानी कि आज हम आपको एप्लीकेशन कराएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका न्यू सिलेबस में हमें जो भी कंफर्म हो जाता है, वैसे मैंने आपको इसमें काफ़ी वर्क करा दिया है, जो भी वर्क हो जाता है या जो भी अभी डिसाइड हो जाता है एक दो दिन में, अभी आज डायरेक्टर सर आए नहीं हैं, तो मैं आपको फिर वही वर्क कराऊंगा कंफर्म करके, ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी आप भी पुरानी ही बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना, और हमारे पास भी ये पुराना ही है, इसलिए अभी क्लियर जो अभी कन्फर्म हुआ नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ और जो है रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सेंड करें, ओके स्टूडेंट्स? अब देखिए एप्लीकेशन, आज हम एप्लीकेशन कराएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days एज योर यू आर सीरियसली इल। देखिए बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है? तो देखिए इसमें टू द प्रिंसिपल श्री राम पब्लिक इंटर कॉलेज अमरोहा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप कर देंगे श्री राम पब्लिक इंटर कॉलेज, यहाँ कानपुर की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अमरोहा, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर इतनी बात, ठीक है? अब देखिए, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, आई एम नॉट क्विट वेल येट एंड आई हैव बिकमिंग वेरी वीक, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर ए वीक, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days फ्रॉम 10 सितंबर। अब देखिए स्टूडेंट, 10 सितंबर, देखिए 10 सितंबर को आप जिस महीने में या जब भी आप एप्लीकेशन लिखें, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो उसी दिन की डेट और उसी महीने को लिखेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये वर्क कर रहे हैं तो उसी दिन की एप्लीकेशन और उसी दिन का दिन वगैरह होना चाहिए, ठीक है? तो 10 सितंबर to 20 सितंबर, या जैसे कि आज क्या है 17 अगस्त 2, और एक वीक के जितने भी 17 अगस्त 2 कितने 20 अगस्त या 25 या 27 अगस्त, ओके, आई शैल बी हाईली ऑब्लिग टू यू, डेट डाल देंगे आप, जैसे आज की है, आज की क्या डेट है 17 अगस्त 2020, ठीक है? और योर्स ऑबिडेंटली, डियर स्टूडेंट्स, कभी भी अपना नाम नहीं लिखते एग्ज़ाम में, ठीक है? ये एग्ज़ाम के पर्पज से लिखा रहा हूँ, कभी भी एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखते हैं, अपने नाम की जगह एक्स वाई जेड या ABC वगैरह लिख देते हैं, ओके? तो इस तरीके से कि आपको एप्लीकेशन कर लेनी है आज, और जो है फर्स्ट में अभी मैंने जो वर्क करा दिया आप उसी को रहने दीजिए, क्योंकि अभी देखिए न्यू कोर्स की वजह से अभी कुछ लेट हो रहा है, क्योंकि जो सिलेबस हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया उनसे ये किताबें जो हम पढ़ा रहे हैं मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए जब मैच कर जाएगा, अभी एक दो आज डायरेक्टर से नहीं आए और एक दो दिन में हम जो भी है कन्फर्म करके आपको बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस एप्लीकेशन को आप अच्छी तरीके से समझ लेना और याद कर लेना, ठीक है? और जो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।